नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत। इस बेटे की बेरुखी की इंतहा कहे या गरीब होने की मजबूरी, जब बीमार मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया तो इकलौता बेटा अपनी मां का शव छोड़ वहां से भाग गया। 3 दिन बाद पुलिस ने बैकुंठ धाम में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। लखनऊ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर को आशियाना निवासी 65 साल की एक बुजुर्ग मां को उसके बेटे ने ही लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन 2 दिन पहले बीमार महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही डॉक्टरों ने महिला के बेटे को इसकी जानकारी दी, वो वहां से गायब हो गया। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वृद्ध मां की एक बेटी भी है, पर उसका भी पता किसी को मालूम नहीं है। इसी बीच जानकारी मिली कि राजेश मूल रूप से हरदोई का रहने वाला है। पुलिस ने वहां सूचना दी पर राजेश के घर का पता नहीं चल पाया। अंत में थक हार कर गुरुवार को कृष्णा नगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अधिकारियों को सूचना दी, शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ अर्थी को कंधा देकर VIP रोड स्थित शमशान घाट पहुँचे। वहाँ इंस्पेक्टर विक्रम ने उस लावारिस माँ के बेटे का फर्ज निभाया और मुख्य अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वृद्धा का अंतिम संस्कार करते इंस्पेक्टर विक्रम और उनके साथियों की फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई, जिसके बाद लोगों ने इंस्पेक्टर और उनकी टीम की सराहना की। इंस्पेक्टर ने बताया कि 14 अक्टूबर को BP और शुगर की दिक्कत होने पर राजेश ने मीनू को अस्पताल में भर्ती करवाया था। 16 अक्टूबर की सुबह मीनू की मौत हो गई। इसके बाद राजेश अस्पताल में ही शव छोड़कर भाग गया। तो देखा आपने एक बेटे की कठोरता को, जो माँ अपने बच्चे को जान से भी ज्यादा प्रेम देती है, उस माँ को अंतिम समय में एक बेटे ने ही लावारिस की तरह छोड़ दिया। फिर क्या था, पुलिस कर्मियों ने उस माँ के बेटे होने का फर्ज निभाया और फिर अंतिम संस्कार करवाया। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।